IRFC, ये प्राइमरी लेंड करती है रेलवेज को, जहाँ पे काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी है ऑफ केपेक्स विच इज़ ग्रोइंग। और इस साल जो रेलवे केपेक्स है करीब 2,45,000 करोड़ का है, विच इज़ 14% हायर देन लास्ट ईयर। और नॉर्मली IRFC 35 to 40% 35 to 40 basis points ओवर कॉस्ट ऑफ बोरिंग ये अर्न करती है, एंड देर इज़ एब्सोल्युटली नो रिस्क ऑफ NPAs। इतने सालों में 0 NPAs है। और इनका जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था करीब 6,000 करोड़ के आसपास था, विच इज़ 38% ग्रोथ फ्रॉम लास्ट ईयर। और जो डिसबर्समेंट्स थे वो थोड़े रिड्यूस किए थे, पर जो AUM है दैट इज़ 4,32,000 करोड़, और ये ग्रो कर रहा है करीब 27% कैगर इन द लास्ट 3 ईयर्स। पर इसका जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है डिविडेंड पॉलिसी, जहाँ पे इन लोग बोलते हैं कि 30% ऑफ प्रॉफिट या 5% ऑफ नेटवर्थ ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इनका नेटवर्थ एज ऑफ नाउ इज़ अबाउट 43,000 करोड़, वेर एज मार्केट कैप इनका बनता है 32,000 करोड़ का। तो मैंने यहीं पे यदि आप लोग कैलकुलेट करते हैं 5% ऑफ नेटवर्थ, तो डिविडेंड यील्ड होता है 6.75%। और आज इसका रिजल्ट्स है और डिविडेंड अनाउंसमेंट है, तो आज भी एक ट्रिगर है, पर मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट यहाँ पे बनता है 32 का, विच इज़ 20% डिस्काउंट टू बुक वैल्यू, विच इज़ एट 40 रुपीज़ फॉर FY24।